नमस्कार आदाब सत मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर दिस इज ट्वेंटी 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 सत्ताईस अप्रैल दो हज़ार इक्कीस में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं इसी तरह से रोज सुबह इसी वक्त आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूँ एंड ये मेरा पूरा पूरा शेड्यूल है इस शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं एंड इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा

पहली न्यूज आप सभी के सामने आई है सीसीवाईबी से ध्यान से समझना इस न्यूज को आ, थोड़ी सी हाई लेवल की मतलब थोड़ी से टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा होंगे इसमें और आराम से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी सीसीवाईबी को आपका आरबीआई ने डिसाइड किया है कि इसको हम एक्टिवेट नहीं करेंगे सीसीवाईबी आखिरकार सी है क्या सीसीवाईबी सी फुल फॉर्म है यहां पर आपका काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर ओके काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर ये यहां पर इसकी फुल फॉर्म है पहली चीज तो ये सी की सी आपका बेसिकली आता है किसके अंडर आता है ये आता है आपका बेजल नॉर्म्स के अंडर बेजल थ्री नॉर्म्स के अंडर आपका सीसी आता है कैपिटल साइक्लिकल काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर ओके सो यहां पर बेजल थ्री नॉम्स क्या है बेज़ल थ्री नॉर्म्स इसी तरह से इससे पहले बेज़ल वन भी आया था बेज़ल टू भी आया था और अब बेज़ल थ्री नॉर्म्स आए थे बेज़ल थ्री नॉर्म्स या फिर बेज़ल नॉर्म्स एक ऐसे नॉर्म्स हैं जिसके तहत यहाँ पर सभी के सभी बैंक्स को सभी के सभी बैंक्स को अपना एक परसेंटेज ऑफ कुछ फंड कुछ पैसा जो उनके पास पड़ा है मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ध्यान से समझना टेक्निकल नहीं टेक्निकल गया तो बीजल नॉम्स समझाने मुझे एक घंटा लगता है तो बहुत क्विकली आपको समझाऊंगा ताकि आपको ईजिली बहुत सिंप्लीफाई वे में चीज समझ में आ जाए बीजल नॉम्स एक ऐसे नॉम्स हैं जिसके तहत यहाँ पर आर कहता है आर क्या कहता है आरबीआई सभी सभी बैंक को ये कहता है कि आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ फंड्स जो है वो साइड में रखना पड़ेगा वो साइड में रखना पड़ेगा किसके लिए साइड में रखना पड़ेगा वो ऐसे ऐसे वक्त के लिए काम आएगा जब यहाँ पर आपकी सिचुएशन सही नहीं रहेगी इन केस कोई भी बैंक इन फ्यूचर यहाँ पर किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जब उसके पास पैसा देने के लिए नहीं होता है या फिर वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जब वो प्रोसेस आपका वाइंडिंग अप का प्रोसेस यानी कि बैंक को बिल्कुल बेचने का प्रोसेस बिल्कुल खत्म करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तब ये फंड आपका मतलब उससे पहले ये फंड आपका यूज किया जा सकता है अब ये फंड की नीड सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई कि कोई भी बैंक जिसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और उनको वो फंड वहां पर दिया जा सके उस पर्टिकुलरली फंड से जो हमने साइड में रखा हुआ है ओके okay, अब इस फंड को कितने परसेंटेज है या किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है है वो एक मेन मुद्दा यहां पर आता है. देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आप आ, जो बेजल नॉर्म्स थे बेसिकली ये एक बेजल कमेटी थी ओके okay, जिसका हेडक्वार्टर बेजल स्विट्जरलैंड में है अभी खैर एक स्लाइड में लिखा होगा डिटेल में वहां पर पढ़ लेना ठीक है, so, यहां पर उसके द्वारा दिए गए थे बेजल वन, और थ्री कभी नोम कभी में आपका बेजल कमेटी ने यह कहा है कि आपको अपना आपको अपना एक परसेंटेज जो परसेंटेज जिसको इन्होंने डिफाइन किया है सी ए आर के फॉर्म में That is a कहा है बट आरबीआई कहता है कि ये आपको नो परसेंट रखना पड़ेगा आरबीआई के अकॉर्डिंग ये नो परसेंट है और जो बीजल नोम हैं, बीजल के अकॉर्डिंग ये आठ परसेंट है आरबीआई ने यह चीज आपकी इंडियन बैंक में एप्लीकेबल की हुई है अब हाँ पर इस बेजल 3 के तहत एक एडिशनल फैक्टर किया गया और वो एडिशनल फैक्टर था सीसी वाई बी सी सी वाई बी इन्होंने कहा और इन्होंने इसको स्टेज वाइज इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जिसके तहत ये आपका अभी रिसेंटली इसको हमें ढाई परसेंट अचीव करना था मीन्स नौ परसेंट तो हमने एच मेंटेन करना ही था इसके अलावा हमें ढाई परसेंट और एडिशनल हमें मेंटेन करना था बट यहां पर ये जो ढाई परसेंट मेंटेन करना था इसको यहां पर आरबीआई ने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है तो ये आप अब मेंटेन नहीं करें आप केवल केवल नौ परसेंट ही मेंटेन कर लीजिए कि कर्ज बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक छूट आई है सी जो होता है सी यहां पर आपका एक फॉर्मूला होता है सी का जिसमें हम कैलकुलेट करते ओके सो कैपिटल एंड कैपिटल बहुत ही डीप डेफिनेशन है वनेस पढ़ी है बैंकिंग पढ़ी तो आपने मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है ठीक है टीयर वन कैपिटल टीयर टू कैपिटल यहां पर टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल को यूटिलाइज किया जाता है और इस कैपिटल में से आपका परसेंटेज लिया जाता है किसका परसेंटेज लिया जाता है रिस्क वेटेड असेट्स का रिस्क वेटेड असेट्स क्या होती हैं हर रे असेट कौन से होते हैं हमारे लोन्स एडवांसेस लोन्स एंड एडवांसेस को हम कितना एक लोन्स एडवांसेस रिस्की है हर एक तरीके के लोन हमारे पास बहुत सारे तरीके के लोन होते हैं वो कितने कितने रिस्की हैं आपके ओके okay, सो so वो कितना रिस्क है उस पर्टिकुलर लोन में उसके अकॉर्डिंग उसको एक वेटेज दिया जाता है और एक कैलकुलेशन किया जाता है और वो कैलकुलेशन जो हमारा टोटल लोन एडवांसेस का आता है अकॉर्डिंग टू दिट्स असाइन टू दैट हमारे पास टोटल आएगा आपका यहाँ पर रिस्क वेटेड असेट्स का ओके रिस्क वेटेड असेट्स यहां पर और दूसरी तरफ लिया जाता टियर टीयर वन कैपिटल प्लस टियर टू कैपिटल का एक सम ओके okay. सो so, इनको कैलकुलेट करके हमारे पास जो एक एक जो परसेंटेज आती है वो आती है नो परसेंट आपकी मिनिमम आनी चाहिए और ढाई परसेंट एडिशनल जो हमने रखा था कैपिटल कंजर्वेशन बेफर के फॉर्म में वो आपका अब जरूरत नहीं है उस चीज को मेंटेन करने की अब ये जो ढाई था ये एक

बुरा समय है आपका ठीक है जब यहां पर आपको जरूरत है जब आपको कैपिटल की जरूरत है तब आप इस फंड को यहां पर निकाल सके ये चीज आपकी की जानी थी सो so, दिस इज द थिंग रिलेटेड टू सी सी वाई बी इस पूरी की पूरी न्यूज में आपको सीसी वाई बी की फॉर्म याद रखनी है और जो चीजें मैंने बताई है ये स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक होता है इनको भी याद रखना है एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है आपका बहुत बार पूछ लेते हैं कैपिटल एडिकुसी रेशियो के बारे में पूछ लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में हम आराम से डिस्कस कर रहे हैं इसको किया जा चुका है जो लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं अच्छे से उन्होंने ये क्लास मेरी देखी हुई मैंने घंटा एक घंटा डेढ़ घंटे की पूरी क्लास ली है बेजल नॉम्स के ऊपर ये बेजल थ्री के बारे यहाँ पर लिखा हुआ है बेसल 3 क्या कहता है एक-एक चीज बेसल 3 आपका क्या चीज है कब स्टार्ट हुआ था कब इंप्लीमेंट हुआ था ओके और ये हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रीसेंट न्यूज़ आई है रीसेंट इवेंट हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या-क्या चीजें लॉन्च की हैं क्या-क्या चीजें बनाई हैं ये उसके बारे में यहां पर आपके सामने मेंशन है ठीक है नेक्स्ट न्यूज आपकी चलते हैं हम ECLGS 2.0 इसके बारे में हमने पहले भी एक बार बात की थी थोड़ा आज डिटेल में बात करेंगे यहां पर ECLGS 2.0 के बारे में ECLGS 2.0 ये आपकी जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसको अनाउंस किया है और इस बार यहां पर जो ECLGS है इसका फुल नेम होता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ग्रंटेड स्कीम एमरजेंसी क्रेडिट लाइन ग्रंटी स्कीम ये आपकी स्कीम बेसिकली जो इंप्लीमेंट की गई थी कोविड के बाद इम्प्लीमेंट की थी जब कोविड आया था 19 उसके बाद इम्प्लीमेंट की थी और इस बेसिकली इस स्कीम का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी लोगों के लोन चल रहे हैं जिन लोगों के हमारे पास लोन चल रहे हैं बैंक में लोन चल रहे हैं पहली चीज तो उनके बिजनेस बंद है पहली चीज तो उनके बिजनेस बंद है ओके दूसरी चीज वो लोग ई पे करने में सक्षम नहीं है अभी फिलहाल कोविड नाइनटीन है बिजनेस बंद है पिछले बार की बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल बिजनेस ठप थे बट वो ई पे करने में पॉसिबल नहीं थे बट उनके बिजनेस ठप थे अब जब बिजनेस उनके ठप थे तो उनके अंडर जो लोग सैलरी ले रहे थे जो लोग काम कर रहे थे या फिर पीछे से कुछ सेल तो हो नहीं रही थी कोई सेल नहीं हो रही थी बट स्टिल उनको पेमेंट करनी थी जहां से उन्होंने पहले माल खरीदा हुआ था जिनसे उन्होंने माल खरीदा हुआ था बट वो माल आगे तो सेल हुआ नहीं क्योंकि लॉकडाउन लग गया अब उनको पेमेंट करने की जरूरत है ही सैलरी भी लोगों को देनी है उनको वर्कर है वर्कर को अब भूखा थोड़े ना रखेंगे वर्कर को सैलरी भी दी जा सकती है तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत सभी के सभी बैंक को यह दिशा निर्देश दिए गए कि आपके पास जिन जिन लोगों के लोन अकाउंट चल रहे हैं जिन-जिन लोगों के लोन अकाउंट चल रहे हैं और उनके यहां पर आपका 29 फरवरी ये मैं पहली बार की बात कर रहा हूं जो पहली बार होता है 29 फरवरी 2020 को जितना भी उनका लोन आउटस्टैंडिंग है मतलब लोन में जितना भी बकाया है मान लीजिए उन्होंने हमें एक लाख रुपए अभी देना बाकी है तो 1 लाख का आप 20% तक उनको मैक्सिमम लोन का एक नया लोन आप दे सकते हो एक लाख का बीस परसेंट ये मैंने एग्जांपल लिया है टोटल जितना भी लोन आपका पेंडिंग है उसका बीस परसेंट आप उनको दे सकते हो यानी कि बीस हजार पे हम उनको दे सकते थे ये आपका एक एग्जांपल बताया बीस हजार पे उसको अलग से हमने लोन दे दिया अब जो लोन दिया उसको भी तो वापस चुकाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर एक और सुविधा दी उन्होंने कहा बीस हजार का लोन या बीस परसेंट का लोन तो हमने आपको दे दिया बट यहां पर अब जो बीस परसेंट बीस परसेंट लोन जो दिया गया है इसको चुकाना कैसे है इसको चुकाना है आपको यहां पर अड़तालीस महीनों में 48 मंथ्स में आपको इसको चुकाना है जिसमें यहां पर आपका जो 12 महीने रहेंगे वो केवल और केवल आपको उस पोर्शन में इंटरेस्ट ही चुकाना है आपको उस पोर्शन में प्रिंसिपल नहीं चुकाना यानी कि पूरी की पूरी ई एम नहीं देनी तो पहले 12 महीने केवल और केवल इंटरेस्ट चुकाया जाएगा और बाकी जो 36 महीने होंगे उसमें यहाँ पर ई चुकाई जाएगी ई यानी कि जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अवेलेबल होता है ठीक है प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों अवेलेबल होता है सो दैट इज दर्टी सिक्स मंथ्स में चुकाया जाएगा और 12 महीने में पहले 12 महीनों में आपका केवल और केवल इंटरेस्ट ही चुकाया जाएगा ये आपकी जो आई थी ई e हमारी आई थी जो पहली यहाँ पर स्कीम कवर की गई थी उसके बाद एक ई e सी को थोड़ा सा रिवाइज किया गया रिवीजन किया गया क्योंकि ECLGS जो वन थी वो आपकी केवल और केवल आई थी 30 सितंबर तक उसके बाद इस स्कीम को यहां पर फर्दर एक्सटेंशन दिया गया फर्दर एक्सटेंशन में इसको 31 मार्च तक एप्लीकेबल कर दिया गया था और अब फिलहाल यहां पर ECLGS 3.0 आया है जिसमें इस स्कीम को फर्दर पॉइंट मंथ्स के लिए एक्सटेंशन मिल गया है ओके अब इसमें कुछ और चेंजेस किए गए हैं अब चेंजेस में क्या किया गया चेंजेस में सबसे बड़ी चीज जो की गई है वो किया गया है एस एम ए वन बोरवर्स एस एम ए वन बोरोस क्या होते हैं देखो यहां पर आपका कभी भी

ना कोई किस्त नहीं चुका है तो एक महीना बीतने के बाद वो अकाउंट एस एम वन बन जाएगा अगर दो किस्तें नहीं चुका है तो दो किस्तें यानी कि साठ दिन बीतने के बाद वो अकाउंट आपका एस एम हो जाएगा बट अगर एस एम अब क्या हुआ एस एम एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत ही नया नया तो नहीं कहूंगा काफी साल है बट इन दी टर्म्स ऑफ दी आरबीए वन टू के कंसेप्ट में आपका सबसे लेटेस्ट कंसेप्ट है इसमें आपका 0 में किसी भी तरह के किस्त को काउंट नहीं किया जाता क्योंकि है मुझे तीस दिन तो दिए ही होते हैं आपका किस्त को भरने के लिए तो यहां पर जीरो एक ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से हमारे एस एमए में रहते हैं एस एम ए जीरो का कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड से लेना देना नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑब्वियस है मैंने आज कोई लोन लिया तो उसके बाद मेरे पास तीस दिन का टाइम है ही उसको चुकाने के लिए

जिनमें से कोई रीजन मान लीजिए कैश क्रेडिट या ओवर ड्राउफ्ट अकाउंट है जिसमें हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कस्टमर की तरफ से कि सर ये डॉक्यूमेंट्स ला दे दीजिए बट वो एक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा वो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं ला दे रहा है तब वो अकाउंट मान लीजिए मैंने उससे डिमांड किया उससे डॉक्यूमेंट मैंने पहले दिन मांग लिया उसने तीस दिन तक मुझे डॉक्यूमेंट नहीं ला दिया तो मैं उसको कहूंगा एस एम जीरो में है ये अकाउंट ठीक है इस तरह से बहुत सारे और नॉन फाइनेंशियल रीजन होते हैं जब आप बैंक में जॉब करते हैं तो आपको रूटीन में जब आते हैं तो आपको वो समझ में आएंगे नॉन फाइनेंशियल रीजन अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे मैं बोलूंगा स्टॉक स्टेटमेंट देनी होती है ठीक है मैं कहूंगा बैलेंस शीट देनी होती है तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ठीक है सो बस इतना ही समझो एस एम जीरो नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से आपका अकाउंट होता है फाइनेंशियल रीजन का कोई लेना देना नहीं है इसमें ओके okay, सो so यहां पर आपका एक और चीज है एसमए जीरो वन एस एम ए टू ये आपकी एक स्टेजेस हैं एस एम ए जीरो नॉन फाइनेंशियल रीजन एस एम ए वन आपका थर्टी टू सिक्स टू नाइन्टी डेज के बीच का फंडा होता है एक तो ये चीज है ये पहली बार जब ई सी एल जी एस आई थी तब यहां पर एस एम ए वन इसमें एलिजिबल नहीं थे अगर कोई अकाउंट एस एम ए कैटेगरी में था उनतीस फेबर को उनतीस फेबर दो हजार बीस को अगर उसका यहां पर एस एम ए वन था तो वो एलिजिबल नहीं था तो यहां पर अब उसको एलिजिबल कर दिया गया यानी कि अगर 60 डेज आपके बीत चुके हैं यानी थर्टी टू डेज की कैटेगरी में चुके आपको तीस दिन हुए थे अभी 30 दिन नहीं हुए थे या तीस दिन बीत रहे थे अगर आपने अभी तक लोन अकाउंट नहीं चुकाया था तब आप एलिजिबल थे बट अब इसको सिक्सटी डेज तक कर दिया गया थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ा दिया गया थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया गया

पहले तो 50 करोड़ तक ये चीज एलिजिबल थे जो लोग ईसीएल के तहत कौन एलिजिबल थे 50 करोड़ तक के लोन ही एलिजिबल थे बट टू पॉइंट में 50 करोड़ और 500 करोड़ तक इसको लेकर गया गया मीन्स टोटल 500 करोड़ तक हो गए पहले 50 करोड़ था वन में टू पॉइंट में 50 से 500 करोड़ आया अब थ्री में क्या किया पांच करोड़ से ऊपर चले गए मतलब पांच करोड़ से ऊपर के भी लोन है तो वो भी आपके शामिल कर लिए जाएंगे ठीक है सो so, मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो सारी की सारी यहां पर लिखी हुई हैं इसमें आपका एक चीज एक्स्ट्रा जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है एनसीजीटीसी एनसीजीटीसी क्या है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी यहां पर एक और चीज यहां पर कही गई है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्होंने कहा है कि ये आपकी जो भी लोन हमने दिया है ये बिल्कुल ग्रंटेड ग्रंटेड आपकी स्कीम के तहत है यानी कि हम लोग अगर कोई भी पर्सन इसका लोन नहीं चुकाता है इस स्कीम के तहत तो हम आपको

G -E -C L. ओके ग्रंटेड एमरजेंसी क्रेडिट लाइन चीज वही है बट वर्ड्स को इधर उधर किया गया है जी जी को आगे लिया गया है G E सी एल ओके G E सी एल इसको शॉर्ट में हम बैंकर्स लोग बोल देते हैं ठीक है सो दिस इज दी न्यूज ये जो पूरी की पूरी न्यूज है आराम से तसली से पढ़ लीजिएगा मैंने पूरा का पूरा अच्छे समझाया है ये एनसीजीटीसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है इसका स्ट्रेटिक फैक्ट लिखा हुआ है पूरा का पूरा आराम से पढ़िएगा कि कौन कौन से यहाँ पर फंडिंग इसके द्वारा दी जाती है किस किस तरह के लोन के लिए द्वारा गारंटी दी जाती है ये एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा गया एग्जाम पॉइंटों से इंपॉर्टेंट है ये पूरी की पूरी स्लाइड पढ़ लिया इजिली लाइन टू तो लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ओके उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया ठीक है न्यूज कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कोई भी अगर दिक्कत होगी पूरी पूरी स्लाइड में लिखी हुई है आपको डेफिनेटली दोबारा से समझ में आ जाएगी जाइए थर्ड वर्जन जो लॉन्च किया गया है ओके okay, चलिए आगे चलते हैं हम एडीबी ने यहां पर हैबिटेट फॉर ह्यूमिनिटी के साथ यहाँ पर टाइप किया है जिसके एशियन डेवलपमेंट बैंक इन प्रोवाइडिंग दी हाउसिंग लोन टू दी लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड दी अर्बन बांग्लादेश इंडिया इंडोनेशिया एंड सो एडीबी ने यहाँ पर किसके साथ टाई अप किया हैबिटाड फॉर ह्यूमिनिटी इंटरनेशनल के साथ यहाँ पर टाई अप किया है बांग्लादेश देश इंडिया इंडोनेशिया एंड फिलीपींस के साथ यहां पर इनको फंडिंग दी जाएगी हाउसिंग लोन वहां के इंस्टीट्यूशंस को दिए जाएंगे ताकि वो आगे हाउसिंग लोन प्रोवाइड करा मैं उनको फंडिंग दिया जाएगा ताकि आगे वो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करा सकें पहले फेज में 30 मिलियन दिया जाएगा ओके रिसेंटली एडीबी ने यहां पर ये रीसेंट जो आपका हुआ था फोर एट मिलियन लोन आपका दिया गया था सीके को इंप्रूव करने के लिए कनेक्टिविटी इन दिस सीके ये आपकी रीसेंट न्यूज आई थी हमने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा था दिस इज द रीसेंट इवेंट सो नाउ फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल बांग्लादेश इंडिया इंडोनेशिया फिलिपीन चारों कंट्रीज के नाम याद रख लेगा कंट्रीज के नाम पूछे जा सकते हैं एंड द 30 मिलियन डॉलर इज द अमाउंट जो आपकी दी जाएगी पहले फेज में नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम आ, एडीबी के बारे में एंड दी हैबिटेट फॉर ह्यूमिनिटी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है स्टेट नेक्स्ट न्यूज फोन पे आया है फोन पे यहाँ पर बना है पहली कंपनी जो कि एक बिलियन ट्रांजेक्शन जिसने यूपीआई में आपकी की है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई यूपीआई एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक इंटरफेस है जिसके ऊपर आधारित होते हैं हमारे बहुत सारे और ऐप या फिर वॉलेट्स या फिर जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हो तो यूपीआई एक तरह का इंटरफेस है यूपीआई इज एन इंटरफेस यूपीआई आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जिसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास बहुत सारे वॉलेट्स बहुत सारे आपकी कंपनीज जो कि ट्रांजैक्शन करती है ठीक है इसके ऊपर बेस्ड आपकी बहुत सारे आपकी एप्स आते हैं जिनको आपने मोबाइल में इंस्टॉल भी कर रखा होगा आपके रिस्पेक्ट हर एक बैंक की एप आती है आपकी भीम यूपीआई आती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है इसी तरह से फोन पे है जो कि इसी यूपीआई के ऊपर काम करता है ओके सो यहाँ पर यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है वो एक बिलियन ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्रॉस किया किसने किया फोन पे फोन पे किसके द्वारा ऑन की जाती है वॉलमार्ट के द्वारा वॉलमार्ट के द्वारा यहाँ पर ऑन की जाती है कंपनी of हैज है ये कुछ और चीजें यहां पर लिखी हुई है खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू नीड टू रिमेम्बर जिसना आपको याद रखना है आपको ये याद रखना है हाल ही में कौन सी कंपनी ने यूपीआई की ट्रांजेक्शन एक बिलियन ट्रांजेक्शन को क्रॉस किया राइट आंसर फोन पे रहे

एनपीसीआई के द्वारा ये सारे के सारे यहां पर बनाए गए हैं जितने भी हमारे पास डिजिटल टूल्स हैं जिनके थ्रू फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं फोन पे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है समीर निगम इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं नेक्स्ट न्यूज आपकी आई है यहां पर मुरली नटराजन जी को एमडी एंड सीईओ डीसीबी बैंक का एक बार फिर से अपॉइंट किया गया ओके सो so, एक साल के लिए एमडी एंड सीईओ डीसीबी बैंक का अपॉइंट किए गए हैं मुरली नटराजन मीन रीअपॉइंट किए गए पहले भी यही थे और अब भी यही रहेंगे

आपकी पड़ी थी सो दिस इज आधार बेस्ड एटीएम को इंट्रोड्यूस करने वाला भी पहला बैंक था कौन सा बैंक था डीसीबी बैंक था किसको बनाया गया एमडी एंड सीओ इसका मुरली नटराजन जी को इसका एमडी एंड सीओ बनाया गया है डीसीबी के बारे में हेडक्वार्टर मुंबई में है वही वैल्यू यू इसकी टैगलाइन है नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूज में

मई 2020 में देखने को मिला था उसकी वजह से यहां पर 14 बिलियन नियर व डेढ़ लाख करोड़ का यहां पर नुकसान देखने को मिला है आपका डेढ़ लाख करोड़ का नुकसान देखने को मिला है ये आपका तक का सबसे कोस्टलियट साइक्लोन माना जाता है जो नॉर्थ इंडियन ओशियन में आया था ओके सो 2.4 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस इतने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था आपका और इसके अलावा जो फिगर आई है इसमें जो डाटा है इस रिपोर्ट के अनुसार वो ये कहा गया है सन 2020 जो है वो आ... सबसे ज्यादा आपका वोमेस्ट ईयर रहा सबसे ज्यादा गर्म ईयर रहा यहां पर पहला 2016 दूसरा 2020 और तीसरा 2019 आता है सो इस दूसरे स्थान पर सर्फ है वोमेस्ट रहा यहां पर इसका जो टेम्परेचर था नॉर्मल टेम्परेचर से 1.2 डिग्री सेल्सियस अब, अब देखने को मिला था सिक्स ईयर सिंस 2015 ये आपका वोमेस्ट रहा रिकॉर्ड में एंड दो हजार का जो पूरा पूरा दशक है ये सबसे गर्म रिकॉर्ड में माना गया एंड द इंट्रीम रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 ये आपकी रिलीज की गई थी दिसंबर 2020 में एक बार इंट्रीम रिपोर्ट एक बार बीच में एक छोटी सी रिपोर्ट पब्लिश की थी अब पूरी की पूरी यहां पर पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिश की गई है एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या आएगा हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट किसने पब्लिश की है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है कितना इसने नुकसान बताया है इंडिया बांग्लादेश को चौदह बिलियन का नुकसान यहां पर देखने को मिला है और यहां पर 2020 यहां पर कौन से नंबर पे वॉर्मेस्ट ईयर आता है दूसरे नंबर पर यहां पर आया है दूसरे नंबर पर कितना टेम्परेचर इसमें देखने को मिला है इंक्रीज एज पर दी बेसिक बेस से अकॉर्डिंग आपका वन डिग्री सेल्सियस अब यहां पर राइज देखने को मिला है ओके सो नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहां पर स्टैटिक फैक्ट लिखा हुआ है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जिसको हम कहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जिसको कहा जाता था इंडिया पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है ओके सो सबको मालूम है पहले भी बहुत बार न्यूज में रहा है ये अब स्टेडियम जो है बीसीसीआई ने इसको कहा है कि ये स्टेडियम आपका होस्ट करेगा सातवां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सातवां आईसीसी मैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो कि नवंबर दो में होगा इसका फाइनल मैच यहाँ पर होस्ट किया जाएगा

नेक्स्ट न्यूज है आपकी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं साउथ कोरिया के और इनका नाम है यहाँ पर किम बू क्यूम ओके किम बू क्यूम इनका नाम है पूर्व मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर एंड सेफ्टी हैं अब बनेंगे नए प्राइम मिनिस्टर साउथ कोरिया के किम बो क्यूम जो है वो तीसरे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे प्रेसिडेंट मून जे इनके अंदर ओके प्रेसिडेंट मून जे इन जब से प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके कार्यकाल के दौरान इनका नाम है किम बो क्यूम किम बो क्यूम यहां पर आपके अभी फिलहाल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर एंड सेफ्टी थे और इन्होंने रिप्लेस किया चुंग से क्यून को चुंग से क्यून को इन्होंने रिप्लेस किया जिन्होंने रिजाइन दे दिया है क्योंकि उनको लगता है कि दो हजार का प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे और इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया है करंटली होंग नाम की जो है वो आपके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है जिस यूनिट रिमेंबर द किम वो क्यूम का नाम पिछले कौन थे चुंग सी क्यून थे इनका नाम दोनों का दोनों का नाम याद रख लेगा दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता

चुंग साहब थे और उसके बाद वाले कौन थे उसके बाद किम साहब थे ठीक है चुंग सी फॉर चुंग पहले थे और के आई एम किम जो थे वो बाद में थे सी और के बाद में आएगा ठीक है उम्मीद उम्मीद का तो याद हो गया होगा ठीक है सो दिस इज दी फंडा रिलेटेड टू दी न्यू प्राइम मिनिस्टर दी साउथ कोरिया चलिए आगे चलते हैं हम एयरटेल एयरटेल टीगो ओके सो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ घाना ने एक एग्रीमेंट किया है भारतीय मिली कॉम इंटरनेशनल सेल्यूलर एस ए टू अक्वायर हंड्रेड परसेंट शेयर ऑफ द एयरटेल टीगो एयरटेल टीगो के, के यहाँ पर, पर सौ प्रतिशत शेयर यहाँ पर हासिल करेंगे कौन गवर्नमेंट ऑफ घाना ने यहाँ पर आपका एग्रीमेंट किया है भारतीय एयरटेल के साथ ओके okay. इसी के साथ घाना विल टेक ओवर एयरटेल दिगो अलॉन्ग विदलाइबिलिटी जो सब कुछ यहाँ पर है उस कंपनी का वो आपका घाना गवर्नमेंट यहाँ पर कर लेगी 2017 में जब आपका एयरटेल जो कंपनी अफ्रीका में है जो कि सब्सिडरी है भारतीय एयरटेल की एंड द दिल्लीकॉम इंटरनेशनल सेल्यूलर दोनों को मर्ज किया गया था ताकि वो एयरटेल टीगो न के नाम से यहाँ पर ऑपरेट कर सके मोबाइल ऑपरेटर ये ऑपरेट कर सके एयरटेल घाना लिमिटेड टीगो घाना लिमिटेड दोनों के दोनों मर्ज किए गए थे और अब यहाँ पर एयरटेल

नेक्स्ट न्यूज आपकी एक और प्राइम मिनिस्टर से आई है इलेक्शन जीता है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी है यहाँ पर कैपे वर्डे कैपे वर्डे एक आपका आइलैंड कंट्री ओके सो इनके यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए यहाँ पर और यहाँ पर किसको चुना गया है Ulysses, Korea, जो पहले थे आपके आपके दोबारा से इनको बनाया जाएगा अगले पांच वर्षों के 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 लिए Ulysses, Korea, East okay, so इनका नाम है ये कहां के बने? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो फिलहाल यही है और फिर से इन्हीं को चुना गया है ओके okay, सो so पराया ये आपके प्रेजिडेंट का नाम दिस इज ऑल देंसी यूनिट मेंरियारिया ओके okay. सो so, कहां पर है कैपेवर्डी ये आपको थोड़ा सा जूम ज्यादा है उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दिस इध अफ्रीका ये अफ्रीका है पूरा का, है। का पूरा ये अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा है ये अफ्रीका का पूरा ऊपर वाला हिस्सा है अफ्रीका पूरा का पूरा ऐसे कुछ दिखाई देता है ठीक है नीचे से राइट ऐसा सा कुछ है तो ये ये वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है जिसके ऊपर यहाँ पर यूरोप है ये वाला हिस्सा यूरोप है इधर यहां पर अफ्रीका पूरा का पूरा आ जाता है ठीक है इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है इधर हम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ये पूरा का पूरा हिस्सा ठीक है तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर दिखाया गया ये आप देख लो यहाँ पर आपका इराक आ गया ये सऊदी अरेबिया आ गया इधर है ना यमन आ गया और ये आपका पूरा का पूरा -गुणा, मेडिटेरियन सी ये ठीक है ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला है और इसमें आपका अभी हमने घाना के बारे में बात की तो घाना तो यहाँ पर है ठीक है घाना में घाना ने एक्वायर किया तो घाना तो ये रहा और कैपेवरडे यहाँ पर है ये रहा कैपेवरडे आइलैंड कंट्री है आपके ठीक है कैपेवरडे अफ्रीका में ही आती है दिस इज द आइलैंड कंट्री राइट ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज़ प्यूमा इंडिया ने साइन किया वाशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पडिकल को उनका ब्रांड एंबेसडर चुना गया है प्यूमा इंडिया आपका इसको किसको चुना है वाशिंगटन सुंदर वाशिंगटन सुंदर चेन्नई चेन्नई से बिलोंग करते हैं और ये यंगेस्ट टी क्रिकेटर थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल लेवल पे 2017 में 2017 में यहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 18 वर्ष के थे एंड देवदत्त फ्रॉम द केरला ये इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने कर्नाटक को रिप्रेजेंट किया एंड इंडिया अंडर को रिप्रेजेंट करते हैं प्यूमा इंडिया ने इन दोनों को उनका ब्रांड एम्बेसिडर चुना है अभी हाल ही में ओके okay, इसके अलावा प्यूमा इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसिडर उनके लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है ये सारे के सारे यहाँ पर पीमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी ऑलरेडी हैं अभी फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर एंड दी दूसरे हैं देवदत्त पार्टिकल दोनों का नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा पूछा जा सकता है पीमा के नए ब्रांड एम्बेसडर नेक्स्ट न्यूज आपकी आई है फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर दिलहारा हिटगे इनको बैन किया गया आठ वर्षों के लिए आठ वर्षों के लिए बैन किया गया है यहां पर इनको श्रीलंका क्रिकेटर दिलहारा लोको हिटगे को सभी सभी क्रिकेट के, के फॉर्म से आपका इनको बैन कर दिया गया है कुछ करप्शन के चार्जेस इन पर लगाए गए आठ साल का बैन लगाया गया है एग्जाम में यही आएगा कि हाल ही में दिलहारा हिटगे जिनको बैन किया गया आठ वर्षो के लिए करप्शन के, के पर्पज से कौन से स्टेट से कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे राइट आंसर आपका रहेगा शेडिल नेक्स्ट है आपका चार्ल्स जस्ट के जो को फाउंडर है डॉब के डेवलपर थे पीडीएफ के पीडीएफ जो आप मांगते रहते हो सर पीडीएफ दे दो पीडीएफ दे दो पीडीएफ दे दो उन्हीं के जो पीडीएफ दे दो दे दो जो पीडीएफ जिन्होंने बनाया था जिन्होंने डिजाइन किया था कि पीडीएफ आखिरकार होती क्या चीज है वही जो है जन्मदाता जिसको जन्म देने वाले को फाउंडर एडोब के ओके सो यहां पर आपका उनका निधन हो गया को फाउंडर एडोप कंपनी एडोप कंपनी के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं एडोब फोटोशॉप पावर आपके एडोब पीडीएफ और ना जाने क्या क्या एडोब के अंदर आपका आता है कंप्यूटर साइंटिस्ट चार्ल्स गेस्ट के को फाउंडर ऑफ दी एडोब हु डेवल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पोफोर मैट पास क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया ही वर्क एट दी जेरोक्स पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर 1982 ही फंडेड एडोब अलोंग विद जोन वर्नोक हिज कलीग फ्रॉम जेरोक्स

गया था नेक्स्ट हमारे 78 साल की मराठी डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्क्रीन राइटर नेशनल फिल्म अवार्डी सुमित्रा भावे जी का निधन हो गया सुमित्रा भावे इनको प्रेसिडेंट गोल्डन लोटस नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है उनकी मूवी बाई एंड दी पानी के लिए ओके मराठी न्यूज रीडर के फॉर्म में भी ये काम कर चुकी हैं ओके सो ये आपके ओबीचुरी हुए आज के समय समाप्ति की घोषणा हम यहीं करते हैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बसंद आएगा और काफी इंफॉर्मेटिव रखा होगा स्टार्टिंग की दो न्यूज ओके okay, सो so मैंने यही कंसेप्ट अपनाया है कि जो भी न्यूज मुझे बहुत अच्छे समझानी होती हैं हैं जो डिटेल में समझाते वो तो मैं पहले आपकी दो न्यूज दो पहली न्यूज में उसको रख लेता हूं ताकि आप भी उसको अच्छे समझ पाए आपका फ्रेश माइंड रहे और मैं भी उसको अच्छे से समझा पाऊं मेरी एनर्जी भी फुल रहे तो जितनी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज होती है वो सबसे ज्यादा समझानी होती है आपको तो उनको मैंने स्टार्टिंग में रखना शुरू कर दिया है तो बैंकिंग न्यूज आपको हमेशा मेरी सबसे पहले मिला करेगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी क्योंकि वेटेज होता है बैंकिंग करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा होता है आपके एग्जाम में तो मैंने बैंकिंग करंट अफेयर्स आपको सबसे पहले समझाता हूं और उसको डिटेल में समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से वो चीज और अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए स्टैटिक फैक्ट के साथ सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना ओके और उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी आपने अच्छे से शुरू कर दी होगी अपनी क्लर्क uh, नोटिफिकेशन आ चुका है समय ज्यादा नहीं है मान के चलो कि जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम पहला जो शिफ्ट है वो आपके जून के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है हो सकता है दो शिफ्ट में एग्जाम हो जैसा होता है हमेशा दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं बट दो शिफ्ट एटलीस्ट मिनिमम होंगी होंगी जिसमें आपकी पहली शिफ्ट आपको जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगी तो जून के फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखना डिले मत करना मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको आज से चौदह पंद्रह दिन पहले मैंने आपको इंटीमेट कर दी थी ये चीज कि जून के फर्स्ट वीक में और जुलाई के लास्ट वीक में आपको यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलने वाला है और वही चीज हुई है जून के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा और जुलाई का इकतीस जुलाई तो उन्होंने मेन्स एग्जाम की डेट दे ही दी है फाइनली ठीक है तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं और आपने अगर बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है जारी रखनी है तो करंट अफेयर्स डेली फॉलो करते रहिएगा एमसीक्यू का सेशन रात को रहता है ये मेरा शेड्यूल है जो लोग लेट आए हैं जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा पूरा पूरा शेड्यूल है इस शेड्यूल को फॉलो कर लीजिए अच्छे से जो जो क्लासेस आपको जैसे जैसे देखनी है लाइव देखनी है रिकॉर्डिंग देखनी है और नेक्स्ट थिंग जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर करंट अफेयर्स का रिवीजन करा दो तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स का रिवीजन कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ साथ में कुछ बैंकिंग की चीजें भी लेकर आऊंगा तो कुछ नया सा यूनिक सा कोर्स लेकर आते हैं जिस गिव मी वन टू डेज जब मैं आपका पूरा अच्छे सोचता हूँ जिसमें हम अकेडमी प्लस पे बहुत अच्छे तरीके से हम एक कोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपके एस बी क्लर्क में बहुत शानदार तरीके से तैयारी हो सके मेंस एग्जाम की टेक केयर लव यू ऑल एंड uh, uh, अगर मोकटेस्ट परचेज करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मोक ले लेना मैंने कल उसके बारे में डिटेल में समझाया था अभी भी स्टिल लेना चाहते हो ले लेना मोक टेस्ट से रिलेटेड भी मैं बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लेकर आ रहा हूँ जिसके कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे जिससे अगर आप एनुअल मोक टेस्ट यूजर है एनुअल मोक टेस्ट ले रखा है तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं देने जा रहा हूँ एक्स्ट्रा बेनिफिट इन दी फॉर्म ऑफ दैक्टिस कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बट शर्त है आपके पास एनुअल मॉक टेस्ट हो तो वो भी बहुत जल्दी इस वीक में मैं लॉन्च कर दूंगा इस वीक में आपको बता दूंगा स्टडी नीति यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिएगा क्योंकि स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पर आ, आने दिन में आज 10:30 बजे एक इंग्लिश uh, का सेशन होने वाला है अर्जुन सर का अर्जुन सर आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत गाइड करेंगे एस बी क्लर्क से रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड ओके okay, वो उनका सेशन है लाइव सेशन होगा जरूर देखना कोई डाउट हो तो इंग्लिश से रिलेटेड पूछ लेना उनसे नेक्स्ट मैम के सेशंस भी बहुत जल्दी आ जाएंगे इस वीक में हम दो से तीन वीडियोज ऐसी अपलोड करेगी मैम जिसमें आपको पूरा पूरा एक रास्ता क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है क्या करना है कब कब कौन कौन सी डेट को मोकटस देना चाहिए कितने मोकटस देने चाहिए आपको एग्जाम से पहले और आपका डेली का शेड्यूल में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है क्या क्या चीजें आपको छोड़ सकते हैं क्या क्या चीजें स्किप कर सकते हैं वो सब चीजें गाइडेंस इसी वीक में आपको दो तीन वीडियोस मिल स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे लव यू ऑल टेक केयर बाय और प्लस क्लास वाले आ जाओ प्लस क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बैंकिंग कंटिन्यू करते हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स फ्री वाले हैं वो रात को दस बजे मुलाकात करेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे इसी क्लास के